नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। जन आधार कल्याण समिति द्वारा मंगलवार को दबरई के सिविल लाइन स्थित कंपोजिट विद्यालय में गंगा यमुना शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पृथ्वी दिवस पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया और सभी ने गंगा यमुना स्वच्छता का संकल्प लिया। वीरेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षकों व बच्चों ने रेड टेप मूवमेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 10 बच्चों, 4 शिक्षिकाओं, 1 शिक्षक ने विगत माह में पृथ्वी दिवस पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक बनाई गई पेंटिंग्स में से सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का चुनाव किया, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स के लिए प्रिंसी अरुण अनामिका को प्रधानाध्यापक हेमलता सक्सेना ने पानी की बोतल, कॉपी, पेंसिल, रबर कटर व वन विभाग के उपहार स्वरूप पौधा प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। सराय दबरई ये विद्यालय में कार्यक्रम किया गया है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? मुख्य इसके उद्देश्य इसका था पृथ्वी दिवस अप्रैल में मनाया गया था, जिसके लिए बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से एक चित्रकला के रूप में पृथ्वी का रूप बताया कि वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए या पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। इस संबंध में चित्र के माध्यम से सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे थे उनको पुरस्कार वितरित किया गया। इस समय हमारे फिरोजाबाद ज़िले या पूरे यूपी के ज़िलों में जिला गंगा समिति गठित की गई है, जो गंगा या उसकी सहायक नदी यमुना है उसको स्वच्छ कैसे रखा जाए, इस संबंध में बच्चों को जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई।